अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबदील तक इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ। व्यूज़, जैसा कि आपको पता है कि एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करना है। आज मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 141 एपिसोड होने जा रही है, और ये सफ़र पहले दिन की तरह जो आज से 6 साल पहले शुरू हुआ था, आज भी अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। और हम हमेशा आपके साथ ऐसे लोगों को मिलवाते हैं, ऐसी सक्सेस स्टोरीज लेकर आते हैं, और ऐसे स्टार्स लेकर आते हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी फील्ड में रह कर बहुत ज़्यादा नाम और मुकाम पैदा किया होता है, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए उनकी बहुत सारी खिदमात होती है नेशनली एंड इंटरनेशनली। और यकीन मानिए, आज मेरी हमेशा की तरह ये एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि एक ऐसी खातून मेरे साथ है जिसके अगर मैं तारफ़ कराना चाहूँ तो उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू है। आपने बहुत सारी जगहों पर उनको देखा भी होगा, बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे भी होंगे उनके, लेकिन आज जिस इंटरव्यू की बात होने जा रही है ख्वाबों से तबीर तक इस सफ़र में, थोड़ा सा आपको चेंज कंटेंट मिलेगा, क्योंकि आज हम ज़िंदगी के उन पहलुओं के ऊपर बात करेंगे जो आज से पहले आपने सुने नहीं होंगे उनके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, परवीन सरवर साहिबा की, जो कि मिसिज़ हैं चौधरी सरवर साहब की, जो कि हमारे फॉर्मर गवर्नर भी रहे हैं। लेकिन अगर मैं परवीन सरवर साहब की बात करूं, और अगर मैं कंपैरिजन करूं चौधरी सरवर साहब से, तो परवीन सरवर साहब की एक अपनी पर्सनैलिटी है, एक इनके अपना एक हैवी पोर्टफोलियो है जो आज मैं आपको आपसे शेयर करना चाहूँगा। इनको जब जब भी अगर मैं इनकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करूँ तो 3 वर्ड्स में है, फैमिली, और उसके बाद यानी कि चैरिटी एंड पॉलिटिक्स, इसके गिर्द घूमती इनके पर्सनैलिटी। लेकिन इन्होंने CSR के हवाले से मुल्क पाकिस्तान के लिए और हमारी ख्वातीन को एम्पावर करने के लिए जो जो खिदमात इन्होंने सर अंजाम दी है और जो जो कर रहे हैं, आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। और मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरे साथ परवीन सरवर साहिबा मौजूद है, और आज का ये सफ़र बहुत ही हसीन होने वाला है, ख्वाबों से तबीयत तक का ये सफ़र। मैडम, मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि एक इतनी इंटरनेशनल वुमेन और एक ऐसी पोर्टफोलियो के साथ आप मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए जब भी आपको मौका मिला किसी न किसी हवाले से आपने बहुत ज़्यादा सर्व किया है। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, चूँकि मेरा ये सफ़र है ख्वाबों से तबीयत तक का, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, वो कहते हैं ना कि कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत का हाथ होता है, तो चौधरी सरवर साहब के पीछे क्या कहाँ तक आपका हाथ रहा है उनकी कामयाबी में? थैंक यू, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से सरवर साहब के पीछे इनकी एक माँ का हाथ है सबसे पहले, क्योंकि एक माँ ही उनको समझाती है अभी आपने किस तरीके से ज़िंदगी में क्या करना है, हाउ टू बी ऑनेस्ट, हाउ टू बी केयरिंग। एंड सरवर साहब इज़ अ वेरी क्लीन हार्ट, एंड हिज बीइंग हिज वाइफ इज बीइंग वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी चैलेंजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, बट इट्स अ जर्नी दैट आई वुड हैव नेवर एक्सचेंज्ड फॉर एनीथिंग एल्स। थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, थोड़ा सा हम डिटेल में हो जाते हैं कि ये जो ख्वाबों से तबीर का सफ़र है, वाकई की जर्नी जो होती है, और जो चोई साहब की जर्नी थी, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो मेरी आंखों में एक नमी सी आ गई थी उनकी स्ट्रगल को देखते हुए, कि वो जिस तरह से एक सिटी से बहुत दूर पढ़ने जाते थे दूसरी जगह पर, और ये बहुत आसान नहीं होता पाकिस्तान जैसी इन्वायरमेंट में रह के अपने आप को स्ट्रगल करना मनवाना। आप इस सफ़र में इतने साल उनके साथ रही हैं, तो कितना ये आसान था या कितना मुश्किल था ये जब आपने ये सारा इनिशिएटिव लिया और ये स्टार्ट किया ये सफ़र चोई साहब की लाइफ के साथ साथ,
तो वो थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा कि परवीन सरवर साहिबा क्या है, उसमें कहाँ पर सेट होती थी? जी, जब मेरी शादी सरवर साहब के साथ हुई थी तो उस वक्त सरवर साहब मेरे चाचू का बेटा। अच्छा, योर कजन? ही इज माय फर्स्ट कजन। ओके। और मैं यूके में पली हूँ, ये पाकिस्तान में रहे। एंड यू कैन सी द कल्चर डिफरेंस एंड द हेरिटेज एंड व्हाटएवर। मेरे अबू ने हमें यूके में भी रह के ही टॉट अस द वैल्यूज, द वैल्यूज ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, द वैल्यूज ऑफ फैमिली, मॉरल वैल्यूज, द वैल्यूज ऑफ बिलोंगिंग टू अ फैमिली। तो मेरे ख्याल से वो बहुत फ़र्क पड़ता है। और हमारा जिससे मेरी शादी हुई थी तो मेरे अबू ने मुझे सिर्फ और सिर्फ ये कहा था कि बेटा आपने बाकी औरतों की तरह जेवर और कपड़े पे वक्त ज़ाया नहीं करना, प्यार नहीं करना उससे, और आपने अपने मियाँ का पूरा साथ देना, बिकॉज यू आर लाइक टू पीपल ऑन द सेम जर्नी। तो अगर मिलके काम करोगे देन दैट विल बी सक्सेसफुल। तो मैंने उन्हीं की बात को याद रखा और मेरी शादी के तीसरे दिन मैं इन्हीं के साथ काम पे जाने लग गई थी। अच्छा, इन यूके? इन यूके। ओके, यानी कि वो आपने समझा नहीं कि अभी थोड़ा सा जैसे ट्रेडिशनली हमारी रवायात है कि आराम करना है, शादी के गोल्डन डेज है, हनीमून है, ऐसा कुछ नहीं, नहीं। आपने कहा नहीं, वर्क पहले है, इम्पोर्टेंट है। और वही सब यही चीज़ है, इंसान आज आप जिस मुकाम पर है आप दोनों मिस्टर एंड मिसेस, उसमें देखा जाए तो आप लोगों की मेहनत ज़्यादा है। जी, हम लोगों का ये था भी, इन्होंने मुझे तीसरे दिन, जो हमारी शादी का तीसरा दिन था, इन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं आज दुकान नहीं खोलूँगा तो हमारा गुजारा नहीं होगा। तो ये दुकान पे चले गए तो फिर मैं इनके पीछे बस पकड़ा और मैं भी इनके पीछे चले गई। तो मेरा कहने का ये मकसद, बहुत सारी हमारी औरतें हैं, हमारी बहनें हैं पाकिस्तान में, उनको लगता है जैसे हमारे इन रूरल एरियाज स्पेशली कि अगर हम औरतों को काम पे लगाएंगे तो हमारी हद तक होगी। इस तरह कोई हद तक नहीं होती, क्योंकि हमने अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए हमने एक चेंज लेके आना, उनकी बेहतरी के लिए काम करना, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। और मैंने देखा पाकिस्तान में हमारी बहनें बहुत टैलेंटेड हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ जो बातें होती फैमिली वाली उनको पीछे रखकर और नहीं तो वो बहुत कुछ कर भी सकते, बहुत सारी हमारी बहनें कर भी रही हैं। और यही होता है मिलके काम करना। एंड जो आपने बात की भी देयर आर स्ट्रगल्स इन आवर फैमिली, यस हमेशा होता है। जब सरवर साहब एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स हमें डेथ थ्रेट्स मिलना शुरू हो गए थे। मैंने फ़ोन उठाना तो मुझे एब्यूसिव लैंग्वेज और मुझे कहा जाना भी अपना इनको रोक ले भी, इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, वी हैव अ गन एंड इसको शुरू, जब इन्होंने अभी पेपर में आना शुरू हो गया, सरवर साहब इसको इंटरव्यू द फर्स्ट मेंबर ऑफ मुस्लिम उम्मा, तो कोई भी नहीं चाहता था एक मुसलमान हाउस ऑफ पार्लियामेंट चले जाए टू बी इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। तो मुझे टेलीफोन कॉल्स आते थे भी, आई हैव अ गन, इट्स कॉल्ड अ बुलेट इन इट, और आपके हस्बैंड्स नेम इज ऑन दैट बुलेट। तो लिसनिंग टू दैट टेलीफोन कॉल, फिर बच्चों को स्कूल लेके जाना, मुझे मेल आती थी घर में थ्रेटनिंग मेल। तो मैंने मेरे ख्याल से जो मेरा दीन था, मेरा अल्लाह के साथ कनेक्शन था, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके लिए एक वक्त मुकर किया, जब आपका वो वक्त आ जाएगा तो कुछ भी हो जाए, घर में बैठे हो तो भी हो सकता है। तो इट वॉज माई दीन एंड माई यकीन एंड अल्लाह दैट आई गॉट थ्रू दोज हार्ड टाइम्स। एंड जब भी वहाँ लोग आते थे सरवर साहब का इंटरव्यू लेने के लिए, दे वर मोर इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग टू मी, क्योंकि उनको लगता था भी एक मुसलमान औरत है, इसको सिर्फ खाना बनाना आता है, बच्चों को पालना आता है। बट व्हेन दे सॉ दैट मैं सरवर साहब के साथ कैंपेन भी कर रही हूँ, बाहर भी जा रही हूँ, टेलीफोन कैंपेनिंग हम कर रहे थे, देन दे स्टार्टेड राइटिंग अबाउट मी दैट आई वाज एन एसेट फॉर माय हस्बैंड। एंड देन व्हेन आई गॉट द डेथ थ्रेट्स दे स्टार्टेड राइटिंग दैट आई वाज द रॉक ऑफ द फैमिली। तो मेरे ख्याल से एक औरत ही है जो फैमिली को जोड़ के रखती है। And this is what I learned from my parents, and that is what I tried to do in my life. बहुत जी नाजरे, आप देख रहे हैं मैडम परवीन सरवर साहिबा, एक अजीम औरत मैं कहूँगा, जिन्होंने नो डाउट बहुत ज़्यादा साथ भी दिया, जिस तरह वो बता भी रही हैं स्ट्रगल में। लेकिन परवीन सरवर साहिबा की अपनी लाइफ अब कैसी है और उन्होंने क्या क्या कर रही हैं, उसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। मैडम
हम बात कर रहे थे आपकी अपनी जो अभी तक आपने पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह के CSR के हवाले से बहुत ज़्यादा खिदमत है, स्पेशली सर्वर फाउंडेशन और हुनरगा, ये दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल से आम अल्फाज में आम लोग सुनने वालों को बताइएगा कि सर्वर फाउंडेशन क्या है और कब से ये आप लोग काम क्या क्या कर रहे हैं और इसे आम हवातीन को क्या फ़ायदा हो सकता है, प्लीज़। हमारी जो फाउंडेशन है इट वाज फंडेड इन 2000 जो हमारा पहला हॉस्पिटल रोजाना टोमाटेक सिंह है 2005 में हमने खोला। फिर एक हॉस्पिटल हमारा है रॉयल एनवास हॉस्पिटल सर्व फाउंडेशन की तरफ से इन चीचावती दैट ओपन इन 2007 एंड फिर हमारा पीम ऑफ स्कूल है सर्व फाउंडेशन स्कूल इट ओपन इन 2011 हम लोग इधर आए हैं 2013 गवर्नर एंड 2014 और 2015 आई टुक ओवर एज़ द चेयर। तो मेरे दोनों हॉस्पिटल्स की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सटेंशन हो गई है और कैंसर डायग्नोसिस और कैंसर अवेयरनेस हमारे हॉस्पिटल में हम चेक भी कर लेते हैं उनकी जो अर्ली स्टेजेस हैं वो ऑपरेशन भी हो रहे हैं and it's all supported by WHO. Okay. And उसके अलावा we have started the immunization program supported by WHO as well. उसके अलावा we do the malnutrition program supported by UNICEF. क्योंकि जो हमारा hospital it's a rural area, बहुत सारे लोग they live below the poverty line, जो बड़े basic उनके खर्चे होते हैं, खाना हाँ चुनाव तो उनका होता है, तो इसलिए उनके लिए ये सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड करना इट्स वाइटल क्योंकि एवरी लाइफ मैटर्स और हर एक को वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, परसेंट परसेंट यानी कि वेरी करता होनी चाहिए। सो दिस इज सम ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स। उसके बाद हुनरगा जो मैंने शुरू किया था इट्स इन प्रिजंस इट्स इन SOS विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और बहुत सारे रूरल एरियाज में है क्योंकि मैंने देखा बहुत सारी ऐसी जगह है जिधर कोई नौकरी नहीं मिल सकती पर वो हमारी बहनें लोकल औरतों का काम करके तो अपना रोजगार कमा सकती हैं। तो उसके हवाले से हुनरगा हैज ट्रेंड 35,000 वुमेन। अभी भी बहुत सारे हमारे सेंटर्स हैं जो चल रहे हैं और हंड्रेड्स ऑफ वुमेन उन्हीं सेंटर्स में अभी भी सीख रही है। उसमें आप स्किल्स सिखाते हैं यानी कि कौन-कौन से स्किल्स उसमें स्पेशली? दे हैव ड्रेस मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी, अड्डे का काम, कंप्यूटिंग, हीना का, ब्यूटी का, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, क्योंकि बहुत सारे रूरल एरिया से जब एक दुल्हन है तैयार होना होता है तो वो भी चाहती है ना मैं तैयार हो जाऊँ, सो दे सपोर्ट वन अनदर और उनकी इनकम आ जाती है। और मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में जॉब्स को क्रिएट करना, लोगों को एम्पावर करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ताकि हर एक इंसान ने अपने फैमिली के घर का खर्चा तो चलाना है। तो मैडम ये तो बहुत अच्छा काम है जो माशाल्लाह आप कर रही हैं स्पेशली वुमेंस को एम्पावर करने के लिए, बहुत ज़रूरी हुई है पाकिस्तान जैसी इन्वायरमेंट में रहते हुए क्योंकि यहाँ पर एक कमाने वाला होता है और 10 लोग खाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा मैडम ये जो आप स्किल सिखा रही हैं लोगों को तो इसको बाद में वो खवातीन इसको एग्जीक्यूट कैसे करती है? अमूमन मैं जब वुमेन चैम्बर्स में भी जाता हूँ प्रेजिडेंट्स के साथ मिलते हैं तो मेरा क्वेश्चन यही होता है वुमेन ने सीख लिया ठीक है लेकिन उसको आज के खातून को जो कि रूरल एरिया में स्पेशली थी उसको IT का नहीं पता, उसको फेसबुक अपने आप यानी कि सोशल मीडिया हैंडलिंग का नहीं पता है कि किस तरह से मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे लेके आना है और दुनिया तक कैसे लेके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर हुनर का कुछ कार्य जो हमारे जितने भी हुनरगा ना वो सारे फीस अभी ले रहा है उनको मैं तैयार कर देती हूँ, उसमें से कोई रिटर्न नहीं आता है। जो हमारी विडोज है बहुत डिजर्विंग विडो उनको हम एक फ्री सोइंग मशीन भी दे देते हैं ताकि वो घर से अपना काम कर लें, जो ऑर्फन होती है उसको भी हम दे देते हैं ताकि वो भी अपने घर से काम कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे साथ जो बच्चे ने ट्रेनिंग की है वो अपने मोहल्ले में अपना काम कर लिए, जब उन्हें 3-4 लोगों ने मिल के साथ वाला जो दर्जी होता है या साथ वाला जो शहर होता है वहाँ से कपड़े आ जाते हैं वो बना के उन्हीं दर्जी को वापस दे देते हैं तो उनके ऑर्डर्स इस तरह कम्प्लीट हो जाते हैं। गाँव में मैं जाती हूँ तो कहती है कोई ऐसा घर नहीं जिसके तकिए हमने नहीं बनाए, कोई ऐसा घर नहीं जिसकी चादरें हमने नहीं बनाई, तो वो अपना रोजगार बना लेती हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ हुनर चाहिए और उनको मोटिवेशन अपॉर्चुनिटी चाहिए। उसके अलावा मैंने देखा बहुत सारे रूरल एरियाज में हमारे हेल्थ कैंप पे लगाती हूँ, आई डू मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कैंप्स,
और बहुत सारे रूरल एरियाज ऐसे हैं जिधर एक घर में अगर फर्ज करें 200 रुपए आता तो वो सिर्फ खाना ही खरीदेगा, मेडिसिन तो नहीं ले सकेगा। सो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ का हम सब रूरल एरियाज में लगाते हैं। वी ट्रीटेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द रूरल एरियाज, वी डू आई काउंट्स, थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेशन हम कर चुके हैं, थाउजेंड्स ऑफ ग्लासेस हम लोगों को दे चुके हैं। उसके अलावा वी डू डेंटल कैंप्स, वी डिड 23,000 एंड डेंटल ट्रीटमेंट्स लास्ट ईयर अलोन। डिफरेंट एरियाज हम जाते हैं तो उधर जाके हमारा मोबाइल यूनिट होता है, हम लोगों को इन्वाइट करते हैं और उनकी बात बहुत छोटी सी होती है, कोई फिलिंग हो गई, कोई दूसरा हो गया, सभी गिफ्ट होता है। एंड मेरे साथ जितने भी डॉक्टर्स और डेंटिस्ट हैं वे ऑल वॉलंटियर्स, कोई मैं उनको तनख्वाह नहीं देती, पैसा नहीं देती, कभी कभार पिक एंड ड्रॉप होता नहीं तो खुद वहाँ तक वो पहुँच जाती है। क्योंकि हमारा ये है अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो जो आपके पास अल्लाह ताला ने जो आपको एक हुनर दिया, एक्सपीरियंस दिया, व्हाई नॉट गिव योर टाइम टू समबडी एल्स एंड सेव समबडीज पेन जो भी हमने रिलीफ करनी। सो वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, ऑल वॉलंटियर्स, और जिधर हम जाके कैंप लगाते हैं वहाँ भी जो लोग होते हैं हमारे साथ जो कैंप को सेट करते हैं, चीज़ें रखते हैं, वो भी वॉलंटियर्स होते हैं। और मैंने देखा जो लोकल लोग होते हैं ना वो जाके घरों से जाके लोगों को लेके आते हैं, घरों से जाके चाय कभी ले आते हैं, कभी वो खाना ले आते हैं जो मेरे डॉक्टर्स होते हैं। एंड मेरे डॉक्टर्स इतने खुश आते हैं वापस, दैट इट मेक्स देयर टाइम वर्थ वाइल। एंड कितने लोगों को फायदा होता है, दैट इज व्हाट वी डू। और दुआएं भी होती है उसके साथ, ऑब्वियसली, यानी कि सदका जा रही है, बस अल्लाह ताला कबूल करे। अच्छा, मैं आपकी थोड़ी सी बात को ऐड ऑन करता हूँ और इसमें कि हमारे अमूमन फैशन डिजाइनर्स जो है ना वो इसी तरह की रूरल एरिया से खवातीन से ना बड़े बड़े अच्छे काम भी लेते हैं, प्रोडक्ट बनवाती हैं, और जैसे ब्राइडल की आपने बात की, फॉर्मल वेयर वगैरह, तो आपका कोई ऐसा प्लान है कि इन्हीं खवातीन की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए आप कोई वन विंडो कोई ऐसा स्टॉल या कुछ ऐसी एग्जीबिशन वगैरह करें ताकि इन्हीं खवातीन की प्रोडक्ट्स को आपके प्लेटफॉर्म से दुनिया को दिखाया जा सके? मैंने जैसे पहले बताया कि जितने भी मेरे हुनर का जब वो चल पड़ते हैं मैं उन्हीं के हवाले कर देती हूँ जो उन्होंने चलाना है। और मैंने ये देखा वो क्या करते हैं, उनकी जो लोकल शॉप्स होती है ना वहाँ से उनके ऑर्डर्स आ जाते हैं, कोई उनको ज्वेलरी बनवा लेता है उससे, कोई उनसे लोकल वेंडर्स जितने वो कॉन्टेक्ट करते हैं उनके कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, कोई उनको ज्वेलरी बनवा लेता है, कोई उनसे खुद से ऊपर काम होता है फिर वो चला जाता है उनके आगे जाके वो हो जाते हैं, कोई लोकल ब्राइडल वाली दुकान से वो लिंक कर लेते हैं। और यकीन करें इतना अच्छा वो चला लेते हैं जो मेरे पहले फिक्रमंद होती हूँ भी मैंने ये शुरू कर दिया, बाद में ये बच्चियाँ वहाँ तक पहुँचेंगी ये नहीं पहुँचेंगी। जब मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ हुनर गास आर ओवर क्राउडेड, उनके पास इतना काम आता है, और मुझे बताती हूँ कुछ बहनों को हम काम दे देते हैं वो घरों से करके आ जाती है, फिर उसी के बाद जो हमारे जिनके साथ हमारा लिंक होता है वो ले जाते हैं, और जो साथ आती भी होंगी बच्चे उनको उसी हिसाब से उनको वहाँ पर एक चलती है थोड़ा सा एक हाँ, वो चला लेते हैं। जैसे है ना अगर उनको पास उनको यही होता कि हमें कुछ मिल गया तो हमने अपनी लाइफ को चेंज करना है, चेंज करना है, उनको मौका मिलता तो कर भी लेती है। बट ऑल क्रेडिट गोज टू परवीन सरवर साहिबा, ठीक है, मैं तो ये कहूँगा, और उसके बाद अल्लाह ताला की रहमत है, उनके जो खिदमात हैं वो आपके सामने हैं और ये सफ़र भी उनका जारी है, हर रोज़ वो एक नए पैगाम के साथ और एक नई उम्मीद के साथ आती हैं, और वो आप लोगों के लिए क्या सोचती हैं ये जानते हैं हम उनसे उन्हीं से। अच्छा मैडम, मैं एक चीज़ का थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँ, ऐड ऑन करूँ आपकी कि इसी जो खिदमात के हवाले से, आपको पता है पंजाब में इस वक्त कोई आलमोस्ट कोई 1 मिलियन जो बच्चे हैं जो 5 to 7 years के हैं वो स्कूल नहीं जा रहे, और कुछ जो जा रहे थे वो हमारी इन्फ्लेशन और ज़्यादा प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं जा रहे। अच्छा उसमें एक ख़ास चीज़ हमने देखी है कि उनको खुराक के हवाले से बहुत मसला है, फूड बेसिक और स्पेशली ब्रेकफास्ट, ठीक है। बाद NGOs पंजाब में इस तरह से कुछ काम करना शुरू किया, उन्होंने एक ट्रस्ट है अल्लाह वाला ट्रस्ट, ठीक है, और उन्होंने भी शुरू किया है कि भी वो बच्चों को ना ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करें। उनका कहना ये है कि भाई अगर बच्चा हेल्दी होगा और माँ हेल्दी होगी और जो दुनिया में आने का बच्चा भी होगा तो उसको अगर नाश्ता टाइम पे मिलेगा तो सारा दिन वो एक्टिव रहेगा, एनर्जी। मैं आपकी निशानदेही करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा इस तरफ कि आपकी जो NGO है या जो आप भी काम कर रही हैं, आप प्लीज़
जो ये वाला इशू है ना बच्चों वाला, इसके ऊपर जरूर काम करें। मुझे नहीं पता शायद आप कर ही हो पहले। असल में जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर हम उसमें से डाइवर्ट होकर दूसरी तरफ चले जाएंगे इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं एंड यू हैव टू ट्राई टू मैनेज विद दोस रिसोर्सेज। हमारा स्कूल भी है पीमल में और बहुत सारे बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं, जो उनको फ्री यूनिफॉर्म मिलता है, फ्री उनकी होती है। और एक और हम इधर बर्की रोड पे कॉलेज हमारा खुल जाएगा इसी सामने लाहौर इन अप्रैल, तो दैट इज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। और उसी जगह पे हम एक इस्लामिक सेंटर भी शुरू करने लगे हैं, जिधर हम अपने जो बुजुर्ग हैं उनको अगर उन्होंने अपने तलफ़ को सही करना वो भी हो जाएगा, उन्होंने एक मीटिंग प्लेस भी होगी, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे हमारे जो बुजुर्ग हैं ना वो अकेले पड़ जाते हैं, सीनियर सिटीजन, उनको पता नहीं होता भी हमने कहाँ जाना है, क्या नहीं करना, दे फील लोनली। तो मेरे ख्याल से एक ये इस्लामिक सेंटर के साथ, उसके साथ ये होगा, एक तो कुरान पाक पढ़ेंगे, अपनी नमाज पढ़ेंगे, अपनी सुन्नत को जो भी उनका होगा वुज़ू वगैरह जो भी सही करना मेंटेन करेंगे, क्योंकि जिंदगी के साथ साथ बाज़ दफ़ा भूल भी जाते हैं। बाज़ दफ़ा बहुत लोगों ने पहले अपने पेरेंट्स से पढ़ा, उनको मौका नहीं मिला, हमने उसको दोबारा सही करें। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। जो बच्चों को नाश्ते वाली बात है, इट्स वेरी सीरियस भी, वाकई बच्चों को हेल्थी खाना मिलना चाहिए। हमारे हॉस्पिटल में हमने इम्यूनाइजेशन और मालन्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं बच्चों को, क्योंकि रूरल एरियाज में माएँ अपने बच्चों को इम्यूनाइजेशन नहीं कराती, तो हम इम्यूनाइजेशन भी कर रहे हैं। और साथ साथ जो लो इनकम फैमिलीज है जिनको खुराक का ये नहीं होता, हम उनको प्री नेटो ड्रिंक्स देते हैं, so that it's a healthy child and it's especially designed for women from low income families who suffer from malnutrition. तो जो हमारा hot breakfast वाला हमने यूके में ये project किया था during covid, और हमने identify किए थे कुछ families, उनको जब school में आते थे तो उनको hot meal एक सुबह provide किया था in UK. In UK, okay. My through my grandson Azan, he wanted to do it, so we did. No child should go hungry to learn. तो पर हमने यहाँ नहीं किया, बट इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। पर हमारा मेन मकसद होना चाहिए भी हमने बच्चों को एजुकेट करना है, उसके अलावा उनके लिए जो उनको जॉब्स मिल जाए, हमें ज़्यादा हमारी जो यंग जेनरेशन उनको स्किल्स सिखानी चाहिए, इज इम्पॉर्टेंट, चाहे कंप्यूटिंग सिखा दें, चाहे उनको हैंडी क्राफ्ट सिखा दें, चाहे हमारे इलेक्ट्रिशन समय बना दें, क्योंकि कितनी देर तक हम किसी को खाना देंगे, दैट वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस, वी नीड टू क्रिएट जॉब्स इन आवर कंट्री, फिर ही हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। बिल्कुल, नो डाउट। एक्चुअली आप जब उसको एक स्किल्स खा देते हैं ना, तो एक स्किल से एक पूरी जनरेशन बनती है, हमने ये जनरेशन बनती है, एक इंसान को डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैडम ये बताइएगा, मुझे लगता है कि आपने अपनी जिंदगी को, लाइफ को वक्फ कर दिया है इस काम के लिए, और चोई साहब ने भी वक्त कर दिया, वो तो है पॉलिटिशियन है बहुत बड़े पाकिस्तान के, तो आप कैसे मैनेज कर लेती हैं सुबह से लेकर रात तक, और फिर फैमिली भी चूँकि आपके यूके में भी है, आना जाना भी रहता है, तो आप कैसे मैनेज कर लेती हैं आपकी यानी सारी लाइफ, थोड़ा सा बताइए। ये उन खवातीन के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि किचन में रहते हुए समझती हैं कि हम और कुछ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से जो हमारी बहनें हैं जो घर को चलाती हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चों को पालना और जॉइंट फैमिली को लेके चलना। एंड मेरे साथ जैसे मैंने पहले बताया, आई हैव लॉट्स ऑफ वॉलंटियर्स, और हॉस्पिटल स्टाफ है जो हॉस्पिटल को देखती है, टीचर्स और प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे स्कूल्स को देखते हैं। बच्चों को मैं वाकई मिस करती हूँ, और मैं दो दफ़ा जाती हूँ साल में, और सब छः हफ्ते रह के आती हूँ, और बच्चों को ये फिक्र होता है हमारी अम्मी आई है और उन्होंने बहुत थोड़ा वक्त हमारे साथ गुजारा, क्योंकि मेरा ये होता कि मैंने जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखना है। तो मेरे ख्याल से ये अल्लाह ने चुना मेरे से जो काम लेना था, और बहुत सारे और भी लोग होंगे जो मेरे से भी बहुत ज़्यादा काम करते होंगे, तो मेरे ख्याल से अगर मुझे मौका मिला तो मैं वाकई कुछ करना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में। एंड बोथ माई पेरेंट्स पास्ड अवे, तो मैं ये समझती हूँ भी मेरी ज़िंदगी में मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, करके दे लेफ्ट वाइल दे वर गुड हेल्थ, एंड
I want to be a sadka jariya for them. Sadka jariya is important. And I also want to help someone that I can be able to help. ताकि वो आगे से अपनी उनकी लाइफ में कोई बेहतरी आ जाए. आई प्ले अ स्ट्रॉन्ग पार्ट इन पॉलिटिक्स. मैं साथ के साथ उसको राय भी देती हूँ. उनको कहती भी हूँ आपने आज आपका इंटरव्यू आपने ये आंसर लेना और ये करना. बाकी सुनना ना सुनना उनकी मर्जी है. बट आई डू हैव एन इनपुट. यूके में जाती हूँ तो वहाँ मैं अपने बेटे के लिए लेबर पार्टी के लिए भी मैंने कैंपेन करती रहती हूँ. आई स्टिल टेक एन इंटरेस्ट. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एन इंटरेस्ट. और मैं दुआ करती हूँ भी हमारे मुल्क में भी बेहतरी आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए. हम पैसे को बोरो ना करें. हमारे मुल्क में इतने पैसे हम खुद जनरेट करें ताकि हमारा मुल्क स्टेबल हो जाए, हमारे जॉब्स क्रिएट हो जाए, दैट वी कैन कम्पीट विद द वर्ल्ड. एंड बिकॉज मुझे लगता है जो हमारी यंग जनरेशन है ना, वो छोड़ के दूसरे मुल्कों में जा रही है. अगर हमारे मुल्क में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हों तो वो ना जाए. तो दिस इज सम ऑफ द थिंग्स दैट आई थिंक दैट वी नीड टू लुक एट वेरी सीरियसली. नहीं तो वरना एक बहुत बड़ा गैप बढ़ जाएगा और हो सकता है एक वक्त आए फिर हम उस गैप को पूरा ना कर पाए. मैडम इसमें कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान अल्लाह पाक की देन है और एक ब्लेसिंग है और इसने हम सबको, आपको, चोई साहब को, हमें, हम सबको बहुत कुछ दिया है. एक टाइम ऐसा आता है जब हमारा हक बनता है कि हमें सोसाइटी को फिर लुटाना है, कुछ देना है, चाहे वो CSR के हवाले से हो, चाहे वैसे लोगों की हेल्प हो. स्पेशली जो मैं अभी फूड की बात कर रहा था आपकी और वो ब्रेकफास्ट का जो प्रोजेक्ट है, अगर आपका दारा या आप इसका इनिशिएटिव लेते हैं तो एशियन ट्रेड टीवी के हवाले से हम प्राइवेट सेक्टर से आपको, हेल्दी सेक्टर जो हमारे पाकिस्तान का बहुत हेल्दी सेक्टर है, हम आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं और आपको स्पॉन्सर्स वगैरह भी दे सकते हैं. तो मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर ज़रूर एक कदम और आगे आएँ तो बारिश का पहला कतरा बने, ताकि वाकई ये एक ऐसे यानी कि इशूज़ हैं, सोशल इशूज़ हैं जिसको पर शायद हमारी गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती कुछ. हमें प्राइवेट सेक्टर को ही आगे बढ़ के कुछ करना होगा. मैडम मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपकी ये सारी चीज़ें जिस तरह से आपकी फतवाहत है सुन के. अच्छा इसमें एक चीज़ मिस हो रही है, हेपेटाइटिस, क्योंकि पंजाब में स्पेशली बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है. हर अगर हम टेस्ट कराएं, क्योंकि हमारा बिलीव नहीं, हम लोग टेस्ट वगैरह पे मेडिकली नहीं कराते, तो हर 11वां बंदा एज पर यानी कि मेडिकली यानी जो आई है गूगल के ऊपर उसके मुताबिक कि हर 11वां बंदा हेपेटाइटिस का पेशेंट है. देयर आर अप्रोक्सीमेटली 300 पीपल that die due to hepatitis every single day. उस पर भी आप कुछ कर रही थी, आपने बताया था. हमने लॉन्च किया था सर्वर फाउंडेशन ने in 2018 हेपेटाइटिस फ्री पंजाब. तो उसके साथ हमने सैम्पलिंग की इन डिफरेंट एरियाज. वी इवन डिड द IG ऑफिस, लाहौर एयरपोर्ट, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, प्रिजंस. उसके साथ हमारे साथ गवर्नमेंट ने भी कुछ देर के लिए काम किया. दे प्रोवाइडेड अस विद PCR एंड दे प्रोवाइडेड अस विद मेडिसिन. तो मेरे ख्याल से जो हमारी गवर्नमेंट्स है, अगर हैंड इन हैंड विद द ऑर्गेनाइजेशंस, विद द हॉस्पिटल्स, इसी तरह का प्रोग्राम हम कर लें, उनका ये होगा भी एक तो हम उनको डेटा प्रोवाइड करेंगे और उन्होंने सिर्फ मेडिसिन उसको देनी जो पॉजिटिव निकलेगा. तो हमारे जो हॉस्पिटल्स होंगे वो सबका चेकअप करेंगे, बट दे विल ओनली प्रोवाइड मेडिसिन फॉर ऑल द पॉजिटिव पेशेंट्स. एक तो टाइम सेविंग हो जाएगा और कम पैसे भी लगेंगे. And I think they should consider working with some of the organizations and some of the projects Perfect. That can be done in Pakistan. Inshallah. So let's see. Time की कमी है. आपसे बातें करनी और भी बहुत सारी है. अगर इस निशिष्ट में मज़ा चौधरी साहब भी और होते तो शायद ये जो प्रोग्राम है 2 घंटों से ऊपर हो जाता. ठीक है, लेकिन मेरी कुछ किस्मती थी कि आज आप मेरे साथ मौजूद थी और आपने जितनी बातें की रियलिटी बेस की है और वाकई अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, आपकी फाउंडेशन को और यानी कि ताकत दे, बसात दे, इस्तकात दे कि आप वाकई इम्यूनिटी के लिए, लोगों के लिए कुछ करें. और जो आपने वर्ड एक बोला था सदका जारिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, और ये बाकी कुछ नहीं है, यही सब चीज़ें हैं जो आपके साथ हैं. मैं दोबारा से आपका शुक्रिया अदा करूंगा. और आज आप स्पेशल गेस्ट थी हमारी, हमारी जो स्पॉन्सर्ड कंपनी है द मॉडल स्ट्रीट ग्रुप ऑफ कंपनीज, पाकिस्तान लार्जेस्ट ब्रांड, उन्होंने आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भिजवाया है जो आपको हमेशा याद रहेगा कि आप ख्वाबों से तबीर तक इस सफ़र में हमारे साथ शामिल थे. थैंक यू सो काइंड ऑफ यू. जी मैडम, ये आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है.
ये हमारा ब्रीव है, लिव इन पाकिस्तान कॉन्सेप्ट के साथ, कि पाकिस्तान प्रोडक्ट से प्यार करें, क्योंकि ये ही हमारी पहचान है और ये हमारी स्पॉन्सर्ड कंपनी का भी मैसेज है। प्लीज यार, थैंक यू सो मच। अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं। सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा आपने घर क्यों बेच दिया? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहाँ घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।